मुल्तान, फिर मुल्तान और फिर मुल्तान तक पहुंचा, तो ऐसा ही ये घराना जिसमें शौकत और राशिदा कई सदियों से इनका खानदान ये काम करता आ रहा है। पहले इनके अबाओ अजदाद ने इस काम को शुरू किया। महारत और मोहब्बत से बनाए गए ये खूबसूरत और दिलदा जेब ऊंट की खाल से लैंप, गुलदान और फन पारे मुल्तान की सकाफत की अकासी करते हैं। ऊंट की खाल से दीदा जेब, दिलकश और फने नकाशी के ये अनमोल तोहफे बनाता ये जोड़ा राशिदा और शौकत, इनका काम इतना ही पुराना है जितनी के इस शहर औलिया मुल्तान की तारीख है। शहर औलिया मुल्तान जो के सुल्तान मुल्तानी से शुरू हुआ, मौलिस्तान, फिर मुल्तान और फिर मुल्तान तक पहुंचा, तो ऐसा ही ये घराना जिसमें शौकत और राशिदा कई सदियों से इनका खानदान ये काम करता आ रहा है। पहले इनके अबाओ अजदाद ने इस काम को शुरू किया मक्का और मदीना से, और अब ये घराना एक सदियों बड़ा सफर तय करके इस ऊंट की खाल से बनाए गए खूबसूरत और दिलकश और दीदा जेब लैंप्स और मुतअद्दिद तरह के फनपारे अपने घर में तैयार करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये खूबसूरत जोड़ा कितनी खूबसूरती और महारत के साथ इन ऊंट की खाल से बने हुए लैंप्स को और इन फन नकाशी को तैयार कर रहे हैं। ये तमाम तर मरलावार तैयार होते कैसे हैं और 900 साल कबल से शुरू किया गया ये सफर जो कि इनके अबाओ अजदाद की जानिब से शुरू किया गया, आज भी इस खानदान में जारी और सारी है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ऊंट की खाल से बनाए गए ये खूबसूरत लैंप तैयार किस तरीके से होते हैं और ये खानदान किस तरीके से इसका बनाव और सजावट का काम करता है और कितने अरसे से ये ऊंट की खाल से बने हुए लैंप मुल्तान की सकाफत का एक अहम जुज बन चुके हैं। भी उसके साथ हेल्पर कराती थी यार, छोटे लाल से कुंवारी 15-16 साल की थी जब करवाने, फिर करते करते हमारी वाल्द भी शादीशुदा हो गए हमारे, फिर मुझे भी शौक लग गया काम करने का, मेरा मियाँ भी करता मैं भी करती हूँ, वालदान डेथ हो गए फिर मुझे नहीं थी पता ये काम मेरे से भी शामिल, फिर मेरे से शुरू हो जाने दोबारा। हमारे खानदान तो 9 साल पुराना बहुत काफ़ी है करने, मुझे तो 35-40 साल कभी तो उनकी उम्र थी 65 साल की जब होते तो उनकी वो पहले ही करती थी कुंवारे ला, वो भी छोटे ला से मैं जाते 15-16 साल की जितनी होती है शौक लग जाते हैं। वैसे मेरी अम्मी भी ऐसे करती है अपने खानदान जो उनके अबू उनके नाना अबू हो गए जाते खानदान की करते हैं। शुरुआत जो दस्तकारी नीचे वाला जो काम किया मैंने, मिट्टी का मॉडल बनाया, मॉडल के बाद बुढ़ाई बनाएंगे जाते मैं बढ़ाइयाँ बढ़िया बढ़िया जी बनता इसको, फिर निकाल दी प्लास्टर पैरस की डाइया बनती, प्लास्टर पैरस पे मीच से माल निकालते हैं उसके ऊपर चमड़े का स्किन लगाते हैं कैमिस स्किन के ऊँट की खाल के, वो अब चलते हैं बाहर नीचे वाला आपको निकाल। ये घर का निज़ाम भी चला रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है काम कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग जो तशरीफ़ लाए थे मक्के से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाने से वो पहले तेल के कुप्पे बनाया करते थे, तकड़ी के पलड़े बनाया करते थे, ये चीज़ें बनती थी और वो मेलों पे सेल हुआ करते थे। ये 900 साल पहले वो मुल्तान में तशरीफ़ लाए, यहाँ पे जो उर्स वगैरह
हुआ करते थे वहाँ पे, वो तेल के कुप्पे सेल किया करते थे। उसके बाद जैसे ही ये लाइट का इंतजाम हुआ, पाकिस्तान में लाइट आई, तो लाइट किसी ने देखा कि ये कुप्पे को उन्होंने बल्ब के आगे किया तो उसमें से लाइट क्रॉस हुई। उसके देखने के बाद ये हमारे बुजुर्गों ने टेबल लैम्प बनाना शुरू किया। पहला टेबल लैम्प हमारे बुजुर्गों ने कैमल स्किन का तैयार किया, गुलदान तैयार किए, कमियार, उस वक्त कमियार काम किया करते थे। उससे बाद में मेरी सास ने काम सीखा, उन्होंने 3 दफ़ा लोग विरसा से अवार्ड लिया। और उसके बाद मेरी सास जो फौत हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी बेटी ने काम करना शुरू किया। पहले भी ये बचपन से शुरू करती थी, साथ वालदा की करवाती थी, बाद में इन्होंने दस्तकारी शुरू की। और जो भी मार्केट में अब डिज़ाइन चल रहा है मार्केट में, वो हमारे हाथ से बनकर जाता है मार्केट में, तो जो सेल करते हैं दुकानदार। तो ये इसी तरह हम दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्लू पॉटरी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी अच्छा अमाउंट नहीं मिला। हमें चाहिए, मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कि हम दस्तकारों के लिए कुछ ना कुछ तो हमें कोई हेल्प करें, कोई हमें कोई ऐसा अच्छा हमें निज़ाम करने के काम, हमारी नस्ल भी इस काम में आए। कई लोग छोड़कर काम चले गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये पंजाब गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, दिली दरख्वास्त है मरियम नवाज से कि वो हमारे दस्तकारों के लिए कुछ ना कुछ तो ये करे कि हम इस काम को जिंदा रखें। महारत और मोहब्बत से बनाए गए ये खूबसूरत और दिलदा ज़ेब ऊंट की खाल से लैंप, गुलदान और फन पारे मुल्तान की सकाफत की अक्कासी करते हैं। ये खूबसूरत जोड़ा जितनी खूबसूरती के साथ और इनका खानदार नस्ल दर नस्ल इस सकाफत को पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनाए हुए है, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। ये खूबसूरत ऊंट की खाल से बनाए गए दीदा से फन पारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने अजीज़ों को तोहफे के तौर पर भी पेश किए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे जोड़ों के इन महारत भरे काम को वो अहमियत ना दी जा रही है जिसकी ये खुद मुंतज़िर हैं। इस खूबसूरत जोड़े का आला हुकाम से मुतालबा है कि इन फन पारों को मुल्क की सतह पर अहमियत देते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इकदाम किए जाएं जिसकी बिना पर ये दीदा जेब और दिलकश महारत और कारीगरी आला सतह पर लोगों की तवज्जो का महवर बन सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।